हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ओरियो से स्विस रोल। ये बिना बेक किए बिना ओवन के झटपट में तैयार हो जाएगा। बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सारे ओरियो का क्रीम निकाल लिया है, अलग कर दिया है। अब हम ओरियो को ग्राइंड कर देंगे। ये अब हम सारे ओरियो बिस्किट के ग्राइंड कर देंगे। ये हमने ओरियो का पाउडर बना दिया है ग्राइंड करके। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दूध डालेंगे और एक फाइन डो बनाएंगे। 2 टेबल स्पून दूध इस तरह से अच्छा इसका फाइन डो तैयार कर देंगे। अगर दूध हमें कम लगे तो थोड़ा दूध और मिला लेंगे और इसका एक अच्छा डो बना देंगे। ये मुझे थोड़ा दूध कम लगा तो मैंने आधी टीस्पून और लिए। ये देखिए, ये बढ़िया डो इस तरह से हमारा बनके रेडी हो गया है। आप भी जरूर बनाइए और ट्राई जरूर कीजिए, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है ये। ये हमारा डो बनके रेडी हो गया। ये गाइस देखिए, इस तरह का डो बना लिया है हमने। ये देखिए, मेरे पास इस तरह की थैली थी, मैंने ये इस तरह थैली में अब हम बनाएंगे और डो को बेल देंगे अच्छे से। आप चाहो तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये थी तो मैंने ये ले ली। ये मैंने डो को इस तरह थैली के अंदर डाल दिया है। अब हम इसे अच्छा स्ट्रेट बेलेंगे। देखिए गाइस, ये मैंने ऐसे बना दिया है। अब हम इस पे क्रीम लगाएंगे, ये इस तरह से देखिए। ये गाइस देखिए, इसमें मैं पीसी हुई चीनी डालूंगी छोटी, 2 टेबल स्पून। अब ये हम क्रीम में ये 1 टेबल स्पून दूध डालेंगे, मिल्क मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारा क्रीम रेडी हो गया है। अब हम इसे लगाएंगे उस पर। ये इस तरह से हम क्रीम लगा देंगे। ये गाइस देखिए, हमने पूरी जगह क्रीम लगा दिया है ओरियो बिस्किट के डो पर। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे। ये देखिए, मैंने सारे, ये देखिए हमने इस तरह से रोल कर दिया है। अब 1 घंटे के लिए इसे हम फ्रीज में रखेंगे। मैंने फ्रीज में से इसे निकाल दिया है, 1 घंटा हो गया है इसे।
अब मैं इसे कट करके बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा स्विच रोल रेडी है। ये देखिए गाइस, हमारा स्विच रोल रेडी है। आप भी ट्राई कीजिए और ज़रूर बनाएं। दो इंग्रेडिएंट से बनता है ये। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।